प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने हेतु बदनावर पहुंचे थे, जहां स्थानीय रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप के मानहानि मामले में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आज तक न्यूज चैनल द वायर की रिपोर्ट है जिसमें वीडी शर्मा का नाम है कि इन्होंने इवेंट के अंदर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से एडमिशन दिलवाया, उसी के आधार पर मैंने यह आरोप लगाया है और मेरा यह अधिकार है। जब इसकी जांच हो रही है और मेरे पास जानकारी आती है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसे जनता के बीच रखूं। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर कहा कि बुधवार को धार में दिन दहाड़े युवती की जघन्य हत्या प्रशासन का निकम्मापन है, यह भाजपा का शासन नहीं दुशासन है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धार जिले के बदनावर में दो दिवसीय दौरे पर है, जहां आपने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंदिरों के सरकारीकरण पर कहा कि मंदिरों की सेवा जो पुजारी करते हैं उन पुजारियों को पूरा अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, मेरे कार्यकाल में उनका मानदेय भी बढ़ाया गया था। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज सरकारी राजतंत्र हो चुका है, जहां सरपंच को अधिकार नहीं, जनपद को अधिकार नहीं, जिला पंचायत को अधिकार नहीं, सारे अधिकार केंद्रित हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा SC/ST बैकलॉग लंबित हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। पैसा कानून भी हमने सन 1998 में लागू किया था, जिसमें नियुक्ति करने के लिए भाजपा ने एक विज्ञापन निकाला था और जिस तारीख को इंटरव्यू होना था 2 दिन पहले ही उसे कैंसिल कर भाजपा सरकार ने बिना इंटरव्यू के ही अयोग्य लोगों को उसमें नियुक्ति भी दे दी। इसी प्रकार गरीब आदिवासी नौजवानों के साथ धोखा हो गया। कहने का मतलब यह है कि पूरे तरीके से यह सरकार किसान मजदूर SC/ST विरोधी सरकार है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। दिशा में जो मेरे पास जानकारी थी आज तक की रिपोर्ट है, वायर में रिपोर्ट है जिसमें बीजी शर्मा का नाम है कि इन्होंने डीमैट के अंदर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से उनको एडमिशन दिलाया है, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया और ये मेरा अधिकार है क्योंकि जब जांच उसकी हो रही है अगर मेरे पास कोई जानकारी आती तो मुझे ये बात कहने का अधिकार है। अब वो जब मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों का खून, रगों में अंग्रेजों खून बह रहा है, क्या इस बात को आप क्या मानेंगे? अब उनको भी मुझे कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह कोई बात कहता है तो बिना सोचे समझे नहीं कहता है। पुलवामा के अंदर मैंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने, इसके इंटेलिजेंस फेलियर है, तब पूरी भाजपा मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी, पाकिस्तानी है, ये है, वो है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही है। अब मैंने जो कहा वही बात तो उन्हीं के द्वारा नियुक्त गवर्नर साहब कह रहे हैं, एक गवर्नर, कि पुलवामा की घटना की जो दुर्घटना हुई उसमें पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार जंगल में फिल्म शूटिंग कर रही थी और उनसे कहा गया कि चुप रहो, बोलो मत, अडानी जी की बात कहते हैं तो चुप रहो, पुलवामा की बात करें चुप रहो। ये चुप रहो, किसी लोकतंत्र में चुप रहने की प्रक्रिया तो केवल एक तंत्र डिक्टेटर करता है, लोकतंत्र में तो ये भाषा का उपयोग नहीं होता है। मंदिरों की सेवा जो पुजारी करते हैं उन पुजारियों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए और हम लोगों ने तो उनको मानदेय भी बढ़ाया था मेरे कार्यकाल में। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।